स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे शैक्षणिक समाचार राजस्थान 17 नवंबर 2018 की प्रमुख शिक्षा संबंधी खबरों के बारे में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहली खबर पर चलते हैं। कैरियर चुना है तो किस्मत को न कोसे श्रेष्ठतम दीजिए। मैनेजमेंट फंडा एन रघुरामन जी का ये लेख है और दोस्तों ये दैनिक भास्कर पेपर में रोज इनका ये लेख आता है। आप लोग भी इनका लेख पढ़ें, बहुत ही काम की जानकारी देते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन इनके लेख से मिलता है। आप भी पढ़ें ये जानकारी और इस लेख को भी पढ़िएगा। दूसरा यहाँ पर है अध्यापक भर्ती के नाम पर पौने 900 लोगों को ठगा। तो यहाँ पर SP ने दिए गोवर्धन विलास थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश। तो यहाँ पर एक फर्जी विज्ञापन बनाया गया था और उसके आधार पर 24,000 वैकेंसी निकाल करके और 125 लोगों को ठगा गया, जिन्होंने पुलिस में जाकर के शिकायत की है। तो यहाँ पर SP ने दिए हैं गोवर्धन विलास पुलिस थाना को मामला दर्ज करने के आदेश। प्रतिभाओं को तराशेगा सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप प्रोग्राम परख। यहाँ पर देश भर की प्रतिभाओं को तराश कर कैरियर को परवान चढ़ाने के लिए प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रमुख कोचिंग संस्थानों में से एक सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप प्रोग्राम परख नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2018 को देश भर में सराहा जा रहा है। अब तक 45,000 छात्रों ने परख के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मेडिकल के लिए विद्यार्थियों के लिए रेजोनेंस का शॉर्ट टर्म क्लासरूम, तो रेजोनेंस जो क्लासेज है कोटा, उनका एक शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स की कक्षाएं 19 नवंबर से शुरू होंगी। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए लाभदायक प्री मेडिकल की तैयारी करने के लिए। उपभोक्ता आयोग के 4 पदों को क्यों रिक्त छोड़ रखा है। अदालत ने मुख्य सचिव, प्रमुख खाद्य सचिव एवं आपूर्ति प्रमुख सचिव विधि और मुख्य चुनाव अधिकारी से मांगा जवाब। कर्मचारी चयन बोर्ड ये सूचना सहायक इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सीधी भर्ती के बारे में बताया गया है कि जो रोल नंबर दिए गए हैं, टंकण गति 5/10/2018 को आयोजित की गई थी। हिंदी अंग्रेजी 18/11 को प्रातः 8:10 बजे के मध्य जयपुर ज़िले में पुनः आयोजित की जाएगी। तो जिन्होंने 5/10 को ये जो एग्ज़ाम्स दी थी कंप्यूटर आधारित, उनकी दोबारा से 18 नवंबर रविवार को जारी की जाएगी और इन रोल नंबर्स को यहाँ पर आना पड़ेगा ये देने के लिए। कल होगी प्रतिभा खोज परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा सामग्री प्रेषित कर दी गई है। प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो 20,619 अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में। और ये देख सकते हैं आज का इतिहास, आज के दिन क्या क्या घटनाएं पूरे विश्व में हुई थी। तो सबसे पहले 1278 में इंग्लैंड में 680 यहूदियों को नकली मुद्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उनसे 293 को फांसी पर लटका दिया गया था, देख सकते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी और लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था आज ही के दिन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को स्वीकृति दी। तो ये थे आज के प्रमुख शिक्षा संबंधी समाचार। PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।